और आप देखते हैं ज्यादातर जो आत्मिक स्टार्स हैं, जो आत्मा में स्टार लोग हैं, वो पाप में गिर जाते हैं, और जो लोग नहीं गिरते वो आगे बढ़ जाते हैं। और गिरने के बाद जब बेइज्जती आती, जब मुसीबतें आती, जब मुश्किलें आती, उनको मालूम होता है कि ये शैतान की योजना थी, इसलिए उसने मुझे गिराया। क्योंकि शैतान उन लोगों को गिराने का ज्यादा इच्छुक है जिनकी लाइफ में परमेश्वर की कोई योजना है। हालेलुया। आपको कभी हैरानी नहीं होती क्यों हर टाइम वो आपको बोलता है चल सिगरेट पी, चलो चलो सुट्टा, ओ सिगरेट पी रहा, ओ तेरी तो देख लिया, दिल कर रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों? या व्यभिचार करने के लिए, या पैसे की, ये इस चीज की, क्यों? उसे मालूम है, वो रोशनी देख चुका है, उसे मालूम है आप कौन है, उसे मालूम है आपकी लाइफ से क्या होगा। इसीलिए बाइबल कहती है जब राजा ने देखा इसराइलियों को तो वो डर गया, कहता ये इतने ज्यादा हो गए, कहते हाँ, कहते इनको दबाओ, ज्यादा मजदूरी करो, ज्यादा मजदूरी की उन्होंने दुहाई दी, परमेश्वर ने मूसा को भेज दिया, मूसा कहता छोड़ दे इनको, कहते अच्छा छोड़ दो, अच्छा तिगनी कर दो मजदूरी। शैतान जैसे उनके ऊपर लाइट को देखता है उनको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल कहती जैसे जैसे शैतान इसराइलियों को दबाता गया वो और बढ़ते गए। आपको मालूम होगा कि क्यों शैतान आपके पीछे पड़ा है, वो क्यों आपको गिराना चाहते हैं। वो चाहे पाप के जरिए हो, डराने के जरिए हो, धमकियों के जरिए हो, क्योंकि वो रोशनी देख चुके हैं। वो ये चाहता है कि आप रिजेक्टेड रहें, वो ये चाहता है कि उस सामरी औरत की तरह आपका घर कभी सेट ना हो, वो चाहता है आपका फाइनेंस कभी सेट ना हो, वो ये चाहता है। और उसका इंस्ट्रूमेंट, अगर शैतान आपकी लाइफ में कुछ चाहते हैं तो वो पूरा कर सकता है अगर आप उसके बताए रास्तों पे, व्यभिचार के रास्ता, नशे का रास्ता, गलत देखना, गलत सुनना, गालियां निकालना, अगर आप उस रास्ते पे चले तो वो उन सब चीजों को आपकी लाइफ में पूरा कर पाता है। लेकिन यीशु मसीह ने उस औरत को देख लिया कि तू एक आत्मा में स्टार है, तू एक हीरोइन है परमेश्वर की, लेकिन पाप ने तुझे गिराया हुआ, पाप की वजह से तेरा फैमिली कभी सेट नहीं हुई, पाप की वजह से तुझे इज्जत नहीं मिली, पाप की वजह से तू अभी भी अकेली और दोपहर को पानी भरने के लिए आ रही। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे मांग, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, तुम मुझसे मांग, मैं तुम्हें सोता बना दूंगा, अब तू सिर्फ तेरी प्यास ही नहीं बुझेगी बल्कि तू दूसरों की प्यास भी बुझाया करेगी और पवित्रता ही में चला करेगी। हालेलुया। अब आपको देखना है कि आपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है कि आपने शैतान की मर्जी को पूरा करना है, क्योंकि वो देख चुका है, उसको पता है कि इस व्यक्ति के ऊपर रोशनी है, वो उसको बीमारी के जरिए, किसी भी चीज के जरिए वो कोशिश करता है गिराने की। लेकिन अगर आप अड़े रहेंगे, अगर आप खड़े रहेंगे, चाहे आपका बीच में विश्वास कम भी क्यों ना हो जाए, अगर आपने प्रार्थना नहीं छोड़ी, संगति नहीं छोड़ी, यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को बचाने वाले होंगे, यीशु मसीह के नाम में आप ऊपर उठाए जाने वाले, यीशु मसीह के नाम में आपके लेवल को मैं उठता हुआ देख रहा हूं, मैं ऊंचा। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? शैतान को पता है लेकिन परमेश्वर जितना नहीं। इसलिए उस औरत को जब उसने देखा होगा उसे तभी मालूम हो गया होगा कि यह कुछ करेगी, इससे पहले कि यह परमेश्वर के लिए कुछ करे इसको गिराओ। एक हस्बैंड, दो हस्बैंड, तीन हस्बैंड, चार हस्बैंड, पांच हस्बैंड, छह हस्बैंड, और हस्बैंड भी नहीं, बॉयफ्रेंड्स, उसको गिरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, वो फेल हो चुकी थी अपनी फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। और यीशु मसीह ने जब उसे देखा, आपको क्या लगता है कि वो इत्तेफाक से वहां गया? क्या यीशु मसीह इत्तेफाक से वहां गए उस कुएं के ऊपर? नहीं, यीशु मसीह को मालूम था कि मेरा एक स्टार है, मेरी एक हीरोइन है, मेरा एक हीरो है जो फंसा हुआ है शैतान के चुंगल में, आज मुझे उसे छुड़ाना है। आज इस चर्च में हीरो और हीरोइंस बैठे हैं यीशु मसीह के नाम, और वो यीशु मसीह के नाम में आपको छुड़ाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में अगर मैं खुदा का दास हूं तो हर पाप की ताकत आपकी लाइफ से टूट जाए आज, यीशु मसीह के नाम से उसका आत्मा को उठाए और छुड़ाए, यीशु मसीह के नाम में आप उठाए जाए, छुड़ाए जाए। आमीन। तो ये आशीष आपकी चर्च। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया।